हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एआरवी अनबॉक्सिंग। तो भाई एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे डिस्कवर 100 की कंप्लीट सिलेंडर पिस्टन ब्लॉक असेंबली। सिलेंडर किट भी बोलते हैं, पिस्टन ब्लॉक असेंबली भी बोलते हैं, पिस्टन किट भी बोलते हैं। तो भाई जिस भी नाम से आप इसे पुकारते हैं उसी की अनबॉक्सिंग आज आपको दिखाएंगे। एक टाइम था इसकी कीमत सिर्फ 1500 रुपये थी और आज भी एक टाइम है जब इसकी कीमत इतनी है। अब कितनी है अनबॉक्सिंग के दौरान दिखाएंगे। हमने ली हुई है इसकी कंप्लीट क्लच असेंबली। क्लच असेंबली के अंदर आता है क्लच प्लेट, क्लच का हब, क्लच का सेंटर और एक प्रेशर प्लेट। बाकी नट बोल्ट वगैरह भी इसी के अंदर आते हैं, इसीलिए हम क्लच की असेंबली ही प्रेफर करते हैं कि जब भी अपनी बाइक में आप क्लच प्लेट डलवाएं तो कंप्लीट क्लच प्लेट ना डलवा के, मतलब क्लच प्लेट ना डलवा के कंप्लीट क्लच की असेंबली डलवाएं, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि क्लच प्लेट के साथ साथ होता क्या है, क्लच का हब और सेंटर भी थोड़े थोड़े कट जाते हैं। अगर आप उस समय पर सिर्फ क्लच प्लेट डलवा लेते तो कुछ समय बाद दोबारा से आपको क्लच प्लेट प्रॉब्लम करने लगती है, क्योंकि हब सेंटर कटे होने की वजह से दोबारा क्लच प्लेट जल्दी खराब हो जाती है। तो इसलिए जब भी क्लच प्लेट चेंज करवाएं कंप्लीट क्लच की असेंबली ही चेंज करवाएं। थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे बट आप इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगे। हमेशा बोले तो एक टाइम पीरियड होता है क्लच की असेंबली का कि इतनी 1000 किलोमीटर चलनी है तो उतनी ही चलेगी। तो भैया हमने कंप्लीट क्लच की असेंबली ली है, डिस्कवर 100cc की है जो कि प्लेटिना 100 में भी लग जाती है और डिस्कवर 100 के साथ साथ डिस्कवर 125 में भी लग जाती है, डिस्कवर ST में भी लग जाती है और डिस्कवर 100 में और जो 100M 100T के मॉडल है उनमें भी लग जाते हैं, मतलब कई गाड़ियों में ये लग जाती है। और ये हमारी सिलेंडर किट है जो कि डिस्कवर 100 में लगेगी। और भाई इसी से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको असेंबली दिखाते हैं कि असेंबली कितने की है। तो असेंबली का पार्ट नंबर वगैरह वैसे अनबॉक्सिंग दिखा चुका हूं, पर अभी इसकी MRP जो है बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है देखते हैं। तो पार्ट नंबर है इसका JB551404, MRP हो गई है 879 रुपये, मतलब 1 रुपये का मसी। भाई एक टाइम था इसकी MRP 700 रुपये थी, अब एक टाइम है MRP हो गई 880 रुपये इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। 12वां महीना 2021 की पैकिंग है। क्लच प्लेट असेंबली, ये QR कोड दिया हुआ है, इस पर आप स्कैन करोगे तो इसकी डिटेल आ जाएगी सारी। इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है, जो हमने बोला वो आता है या नहीं आता है। तो भाई ये हमारी कंप्लीट क्लच की असेंबली है जिसके अंदर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोल्ट मिलेंगे, ये प्लेट मिलेगी और 6 स्प्रिंग इसके अंदर साथ आएगी। इसीलिए मैंने आपसे बोला था जब भी चेंज कराए कंप्लीट क्लच की असेंबली चेंज कराए, क्योंकि इसके साथ आपको कंप्लीट क्लच की असेंबली में सब कुछ कंप्लीट मिलता है बना बनाया, और आपको ये चेंजिंग करने की जरूरत नहीं, कंप्लीट एज इट इज ऐसे ही आपको फिट कर देना है क्लच का बोल्ट टाइट करके फिक्स, तो टेंशन फ्री हो जाइए आप। तो भाई यहाँ पे इंडोरेंस कंपनी का एक इस पे मोहर लगा हुआ है, क्योंकि इंडोरेंस कंपनी ही 100% जेनुइन वेंडर है इसका। यहाँ पे बजाज भी लिखा है, इंडोरेंस का मोहर है। जो इंडोरेंस के प्रोडक्ट यूज़ करता होगा उसे पता होगा इंडोरेंस का मोहर जो होता है, ये लोगो इंडोरेंस का है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ कोडिंग वगैरह दी हुई है और यहाँ पे बजाज लिखा हुआ है कंपनी ने सेंटर के ऊपर। और हब के ऊपर अगर आएँ तो हम हब के ऊपर आपको JB पार्ट नंबर लिखा मिल जाएगा और यहाँ पर भी बजाज लिखा मिल जाएगा। STS यानी इंडोरेंस का फिर से एक और पार्ट कोड हो गया। तो भाई क्लच की असेंबली बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। अब इंडोरेंस में अगर आप इसे खरीदेंगे तो आपको और सस्ती मिल जाएगी, पर मैं आपको बोलूँगा कि आपको इंडोरेंस मिले या ना मिले, जेनुइन मिले या ना मिले, आपको लेनी कंप्लीट क्लच की असेंबली ही है, चाहे दोनों में से कोई भी कंपनी की लेनी पड़े। लो हमेशा कंप्लीट क्लच की असेंबली, क्योंकि कंप्लीट क्लच की असेंबली ही बेस्ट है। जब भी क्लच की प्लेट डलवाएं कंप्लीट क्लच की असेंबली डलवाएं। बार बार बोलने का एक ही रीजन है कि आप लोग डलवाएं इसी असेंबली को। खैर आते हैं अपना सिलेंडर किट पे। भाई पार्ट नंबर देख लेते हैं सिलेंडर किट का, 52JB0231, MRP हो गई है 1954। तो भाई एक टाइम था जब 1500 MRP थी, 1500 भी नहीं थी और 1200-1300 ही थी। एक टाइम था फिर 1300-1400 हुई, फिर 1500 हुई और अब 1954 MRP हो चुकी है। दूसरा महीना 2022, लेटेस्ट पैकिंग है, एक महीने पुरानी और सिलेंडर ब्लॉक असेंबली पिस्टन। तो भाई ये कंप्लीट सिलेंडर किट है, इसे फटाफट से हम अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है और क्या क्या सिलेंडर किट के साथ आता है और कौन सी कंपनी का इसके अंदर हम आपको पिस्टन निकलेगा ये भी दिखाएंगे। तो फटाफट से इस निकाल लेते हैं, फटी हुई है पन्नी हल्की सी, मतलब थोड़ा सा था। सबसे पहले तो ये सिलिका जेल आपको मिल जाता है, सिलिका जेल आपको पता ही होगा मॉइस्चर ना आ जाए पार्ट के अंदर, इसलिए इसमें दिया हुआ है। और ये है हमारा सिलेंडर ब्लॉक पिस्टन असेंबली कंप्लीट। और भाई ये हम इसे सबसे पहले पिस्टन को निकाल लेते हैं बाहर। ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमारी बजाज की जेन्युइन कंपनी है वो पिस्टन को असेंबल करके रिंग के साथ कंप्लीट इसमें लगा के देती है। कई कंपनियां ऐसी हैं जो नहीं देती, जैसे हीरो नहीं देती। और इसे निकाल के देखना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अभी यहाँ पर एक जो ये रेशा है, देखो ये रेशा, तो भाई असेंबल तो साथ में दिया था, ये रेशा साथ में मिला है। तो भाई ये जब भी आप असेंबली खरीद रहे हैं उसे बजाज की असेंबली को, पिस्टन को एक बार डिसअसेंबल करके खुद चेक करके ही असेंबल करें। कभी कभी ऐसी भी दिक्कत आ जाती है कि भाई इसके अंदर कोई रेशा फंस जाए, कुछ भी फंस जाए तो दिक्कत करता है फिट होने में। और इसके अलावा यहाँ पर ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक बहुत ज़्यादा चमचमाता हुआ, शाइनिंग मारता हुआ, एकदम अलग ही लेवल का ब्लॉक है। और यहाँ पर आते हैं इसके पार्ट नंबर पे और कुछ डिटेल वगैरह चेक करें तो यहाँ पे आपको
इसका पार्ट नंबर दिख जाएगा। तो पार्ट नंबर भाई यहाँ पे दिया हुआ है, बजाज का लोगो दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बजाज खुद लिखा हुआ है सिलेंडर के ब्लॉक पे, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ कोडिंग और दी हुई है। जो भाई पार्ट नंबर ये है JB5216 सिलेंडर का नंबर हो सकता है ये, क्योंकि जो इसकी किट है उसका नंबर तो ये नहीं है। बाकी इसके अंदर बोरिंग अगर हम चेक करें तो बोरिंग आपको शायद क्रॉस बोरिंग मिलेगी। अगर आप देखें तो क्रॉस बोरिंग जो है 100% जेनुइन कंपनियां जो है क्रॉस बोरिंग ही यूज़ करती हैं। देख पा रहे हैं आप, क्रॉस बोरिंग है ये, हाँ क्रॉस बोरिंग दिख गई आपको। उसके अलावा अब आते हैं अपना पिस्टन के ऊपर, पिस्टन को चेक करते हैं कि पिस्टन जो है कौन सी कंपनी का। सबसे पहले पिस्टन के ऊपर पार्ट नंबर लिखा हुआ है JB कंपनी की सिलेंडर किट JB के नाम से आती है, JB लिखा हुआ है। और चेक करते हैं पिस्टन इसमें कौन सा है, आपके हिसाब से कौन सा निकलेगा मुझे बताना। मुझे जहाँ तक लगता है इसके अंदर भाई कौन सा पिस्टन है चेक कर लेते हैं, बोलना मुश्किल है, जज करना भी मुश्किल है। मुझे लगता है कि इसके अंदर शायद GTP का रिंगे हैं भाई, तो GTP की रिंगे हैं यानी गॉड्स का पिस्टन है। तो देखिए रिंगे जो हैं रिंगों पे लिखा हुआ है ये, देखिए हमने हल्का सा किनारा जो है रिंग का खोल लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं GTP, ये देखिए GTP यहाँ पे लिखा हुआ है रिंग के ऊपर। तो भाई वो GTP यानी गॉड्स का पिस्टन जो है 101% जेनुइन इसके अंदर निकला है। कभी होता है क्या है, उषा का पिस्टन निकल जाता है कभी कभी, कभी होता है कि सैम का भी निकल जाता है, कभी GTP गॉड्स का भी निकल जाता है। तो भाई तीनों ही कंपनियां जेनुइन है, सैम भी जेनुइन है, सैम का भी पिस्टन जेनुइन ही है। बट मेरी नज़र में सबसे बेस्ट कंपनी सिर्फ दो ही है, एक उषा और एक गॉड्स, जो मैं यूज़ करता हूँ गॉड्स उषा, उषा नंबर वन गॉड सेकंड, इसलिए क्योंकि उषा तो भाई बस उषा की क्या ही मैं तारीफ करूँ, बहुत अच्छी कंपनी है उषा पिस्टन के मामले में, रिंगे भी जेनुइन होते हैं और गॉड्स भी बहुत अच्छी कंपनी है। उसके अलावा और भी बहुत सारे महले भी हो गई। तो भाई यहाँ पे गॉड्स का पिस्टन जो है डिस्कवर जो है बजाज डिस्कवर वो 100% जेनुइन यूज़ कर रही है हमारा सिलेंडर के अंदर बजाज के। और वहीं कई गाड़ियाँ ऐसी हैं, कई कंपनियाँ ऐसी हैं जिसमें उषा का निकलता है। एक्टिवा की हमने सिलेंडर की अनबॉक्सिंग की हुई है, उसमें उषा का भी निकल जाता है। तो खैर इसके बारे में बात बाद में करेंगे, अब पिस्टन की अनबॉक्सिंग मैंने अलग से बना के डाली हुई है सेपरेट। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाइए मेरे चैनल पर, वीडियो को देखिए, उसमें मैंने सेपरेट पिस्टन की वीडियो भी बनाई हुई। तो ये थी भाइयों हमारी स्प्लेंडर किट की अनबॉक्सिंग जो कि डिस्कवर 100 की थी, और हमारा डिस्कवर 100 की क्लच की असेंबली। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही और भी नई नई वीडियो आपके पास बिना किसी विलंब के पहुंचती रहे। नोटिफिकेशन बेल को कर लेना ऑन, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। वहाँ पर भी मैं बहुत छोटी छोटी रील्स वगैरह स्टोरी वगैरह डालता रहता हूँ। और बस भाइयों मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक ले गुड बाय।